जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ ये कहा कि इस कंपनी को खरीद कर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए दो लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। एक 15 साल का लड़का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तारियों की वजह से कटघरे में खड़ा था। जज ने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बोले स्वतंत्रता। कहाँ रहते हो? बोले जेल। ये सुन के जज ने उसको 15 कोड़ों की सजा सुनाई, लेकिन जब 15 कोड़े उसे पड़ रहे थे तो वो चीखने चिल्लाने की बजाय सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, भारत माता की जय। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रशेखर आजाद, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से बहुत बार लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंग्रेज उसे जीते जी पकड़ नहीं सके। लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों को पता चला कि वो इलाहाबाद के एक पार्क में बैठा है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया, गोलीबारी शुरू हो गई। उसने भी अंग्रेजों का डट के सामना किया, लेकिन जब उसकी बंदूक में लास्ट गोली बची थी तो उसने अपने आप को मार ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कहा था, अंग्रेजों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद जिए हैं, आजादी मरेंगे। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 7 है, दे टेक रिस्क इन देयर लाइफ। गाइज, अगर आप गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो जीतोगे कहां से? अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा रिवॉर्ड चाहते हो तो रिस्क भी उतना ही बड़ा उठाना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग ये बात जानते हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल लोग रिस्क इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो फेलियर से डरते हैं। जबकि सक्सेसफुल लोगों का ये मानना है कि जिंदगी में इस बात का कभी अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने ये रिस्क उठाया क्यों नहीं। सो गाइज, इफ यू वॉन्ट समथिंग बिग इन योर लाइफ, टेक रिस्क इन योर लाइफ। बाकी बचे हुए हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 9 है, दे फाइंड देयर वे टू विन। गाइस, प्रॉब्लम सबके आती हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स के आगे झुकते नहीं, वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए अपनी जीत का रास्ता निकालते हैं। दैट्स कॉल्ड व्हाटएवर इट टेक्स मेंटालिटी। व्हाटएवर इट टेक्स, आई विल गिव माय 200%, आई विल फाइट बैक एंड आई विल फाइंड माय वे टू विन। दैट्स कॉल्ड सक्सेसफुल विनर मेंटालिटी। लास्ट बची हुई हैबिट के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राजीव गांधी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चाहते थे कि हमारा देश 21वीं सदी का देश बने, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होती, जो कि उस समय सिर्फ यूएस जैसे विकसित देशों के पास ही थी। तो वो यूएस गए और वहां के प्रेसिडेंट को कहा कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया। जब वो भारत वापस आए और भारतीय वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे तो वो लिटरली रोने लगे और कहा कि मेरा सपना अधूरा रह गया। तब यहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आप हम पे भरोसा क्यों नहीं करते, आप हमें फंड दीजिए, हमें मदद कीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे। उसके बाद सीडेक जैसी संस्था ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत को अपना पहला सुपर कंप्यूटर दिया, जिसका नाम था परम 8000। सो गाइज, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आप बिलीव करो तो इस दुनिया में हर काम पॉसिबल है। So believe in yourself। सीरीज में कार रेसिंग, स्पीड और स्टंट्स के जलवे बिखेर के इसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। Yes, I'm talking about Paul Walker। लेकिन एक दिन पॉल वॉकर ने कहा था कि अगर ये कार स्पीड मेरी जान ले ले तो उस दिन रोना मत, क्योंकि उस दिन मैं मुस्कुरा रहा हूंगा। और एक दिन 30 नवंबर 2013 को एक फास्ट रेसिंग कार कैमरा GT दौड़ाते हुए वो मुस्कुराते हुए हमें छोड़ के चला गया। गाइस, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस दुनिया को अपना फेवरेट काम करते हुए अलविदा कहते हैं। सो गाइस, गिव अ हार्ट टू आवर फेवरेट पॉल वॉकर। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 8 है, दे नेवर क्विट। गाइस, सेटबैक्स और फेलियर किसके लाइफ में नहीं आते, बिकॉज जो ड्रीम लाइफ आप चाहते हो उसका रास्ता इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग तो उस तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ गवा देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग इतना होने के बावजूद भी हार नहीं मानते, दे नेवर क्विट। गाइस, आप याद रखिए, अगर आप गोल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हो, देन यू आर नॉट अ विनर, बिकॉज विनर्स नेवर क्विट।
बाकी बचे हुए हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।